इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि कह रहा है क्या, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, क्या है तीसरा पद, मतलब क्या A3 तीसरा पद जो है ना वो कितना है 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना 5 है। तो A3 को लिख सकते हैं A+2D, यानी A+2D बराबर कितना दिया हुआ है 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर बोल रहा है क्या सातवां पद, सातवां पद कितना है 9 है, यानी कि A7 का जो मान है वह 9 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A+6B हो जाएगा, और इसका टू कितना जाएगा 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करना है कि इसमें पूछ रहा है क्या सतरवां पद, ठीक है ना, तो यहाँ से पहले हम लोग ए और डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी क्या करना है समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या है A+6D = 9, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 कितना, 1 कितना है A+2D = कितना है 5, समीकरण 1, इसको घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, ए से ए कटेगा, 6D में 2D घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4D, और इसका टू कितना आ जाएगा 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से D का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4/4, ठीक है ना, और ये कट जाएगा एक बार में, तो D का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब क्या करना है, ये जो D का मान आया इसको समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से क्या आएगा A+2D = 5, ठीक ना। तो यहां से क्या करना है, ए का मान, डी का जो मान आया वह लिखेंगे यहां पे A+2 × D = 5, A+2 × 1 करेंगे कितना आएगा 2 = 5, ए का मान कितना आ जाएगा 5, इधर प्लस में 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ए का मान जो आएगा वो कितना आएगा 3, यानी ए का मान 3 आया और डी का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो अब क्या करना है, हम लोग को प्रश्न में क्या करा है कि सतरवां पद ज्ञात करें, ठीक है ना, यानी A17 का मान निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करिए कि आप लोग इतना पहले लिखिए उसके बाद फिर देखते हैं। तो यहां से क्या करना है कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग से पूछा क्या प्रश्न में A17वां पद, इसका मान क्या होगा, A17 को लिख सकते हैं A+16D, ठीक है ना। तो देखिए A का मान कितना है, तो A का मान निकला 3, ये 3 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 16 × D का मान कितना है 1 आया, तो 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 3+16 × 1 करेंगे 16 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, यानी जो 17वां पद आएगा वह कितना आएगा आंसर 19 आएगा, ठीक है ना, यानी 17वां पद जो आएगा वो कितना आएगा 19 आएगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।